आज की वीडियो में मैं आपको ये होल बनाना बताऊंगी कि होल मैंने कैसे बनाया है। तो इस होल में आप बड़े बटन बना सकती हैं, बड़े बटन के लिए ये है। जैसे आप कोट में बना रही हैं, कार्डिगन में बना रही हैं, तो ये उसमें होल बनेगा ये वाला। तो ये मैंने 6 सिलाइयों पे ये से बनाया है। तो आगे मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर मैंने होल कैसे बनाना है। वो आप कितनी जगह छोड़ के बना रही हो होल वो आप इच्छा है, पर ये एक बार मैंने आपको वैसे ही बना के बता रही हूँ होल ऐसा ही यहाँ पर। तो मैंने ये कैसे बनाया है तो मैं आगे आपको बता देती हूँ। पहले हमने ये मैंने 12 फंदे लिए हैं, तो आप जितने फंदे ले रहे हैं उतने उनका आधा कर लोगे। 1 2 3 6 फंदे, 1 2 3 6 फंदे। पहले से फंदे को ऐसे उठा लेंगे, धागा दूसरे करके सीधे बुनेंगे। आप जैसे बटन पट्टी बना रहे हैं वैसे बना ले पहले। तो ये मैंने सारे सीधे बना के उल्टी बुनाई की है, 5 और ये 6, 6 फंदे मैंने लिए। अब यहीं से मैं वापस इसी को बुनूंगी, इसे नहीं बुनूंगी। तो पहले इस फंदे को ऐसे उठा लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, फिर सीधा बुनते हुए। ये मैं उल्टी बुनाई कर रही हूँ तो दोनों साइड पे सीधा ही बुनूंगी। ये हमारी दूसरी सिलाई है। अब हम तीसरी सिलाई पर आ गए हैं। दो 3 4 5 और 6, अब हम चौथी सिलाई पे आ गए हैं। धागे को दूसरी तरफ कर लेंगे, फिर सीधी बुनाई पे इसे बुनते जाएंगे। अब हम पांचवी सिलाई पे आ गए हैं। सीधा बुनते बनाते जाऊंगी मैं, ये 5 और ये 6ठी सिलाई। 6 फंदे ही हमने बुनने हैं। छठी सिलाई होगी। अब हम 7वीं सिलाई बनाएंगे। ये 7वीं सिलाई बनाएंगे, सीधा बुनते हुए। अब जैसे सिलाई को आप बना रही हैं, इसके बटन पट्टी एक सीधा एक उल्टा बनाए वैसे ही बना सकते हैं। उसका धागा अपनी तरफ कर लेंगे इस फंदे को। अब ये बुनेंगे हम। अब यहाँ पे हमारी 6 सिलाई होगी, ये 7वीं सिलाई थी। तो अब सीधा फंदा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ रखें, यहाँ पे एक चाली बन जाएगी। ऐसे एक फंदा यहाँ पर बढ़ गया। अब इसकी पहली सिलाई हम बुन रहे हैं, ये हमारी पहली सिलाई होगी। अब इस साइड की पहली सिलाई। अब दूसरी सिलाई पे आ गए हैं। अब क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 5 5 फंदे हमने बुन लिए। अब जो 6ठा फंदा हमें क्या करना है, इस फंदे को यहाँ से ऐसे करके इस फंदे को ऐसे निकाल के ऐसे इस जो फंदे को हमने बनाया था उसे ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे निकाल के फिर इस फंदे को पहले जो ये पहले इसे ऐसे उतार देंगे। उतारने के बाद अब इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इसे ऐसे बुन लेंगे। ऐसे बुनते हुए वापस हम यहीं पे इसे टर्न हो जाएंगे। इसे ऐसे रहने देना है। फिर उसे इस फंदे को ऐसे उठाकर एक बार धागा दूसरी तरफ कर लेंगे। अब सीधा फंदा इसे बुनते जाएंगे। फिर अब आगे फिर एक बुन लेंगे, इसे उठा लेंगे धागे को दूसरी तरफ करते हुए, उसे सीधा बुन लेंगे। ये 5 फंदे हमने बुन लिए, 1 2 3 4 5। 6ठा फंदा हम क्या करेंगे, 6ठे फंदे से ऐसे निकाल कर इस फंदे को ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे निकाल के इसको छोड़ देंगे।
अब दोनों को ही छोड़ देंगे इन फंदों को। अब ये सीधा फंदा बुन लेंगे। अब वापस से हम इस सिलाई पे आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, इस फंदे को हम खींच लेंगे, धागा अपनी तरफ करके इसे खींच के रखेंगे ताकि ये फंदा जो हमने ये बुना था ये वाला थोड़ा टाइट हो जाए। अब सीधा बुन लेंगे। अब हमने ये सीधा बुन लिया। अब क्या करेंगे, ये पूरी सिलाई अब हम सीधी ही बुनते जाएंगे। अब हमने कोई सिलाई नहीं बुननी है, ये सीधी ही बुननी है, सारी दोनों तरफ से बुनेंगे। 12 के 12 फंदे बुन लेंगे। अब फिर से फंदे को खींच लेंगे ताकि यहाँ पे गैप ना रह जाए। ये वाला फंदा खींच के बनाएंगे। तो ये होल ऐसे बन गया है। थोड़ा दो सिलाई निकाल के फिर मैं बताती हूँ। तो ये होल ऐसे बन गया है। ये होल ऐसे मैंने बनाया है, ये बटन होल ऐसे बनाया है हमने। तो बड़े बटन के लिए मैं आपको बता देती हूँ, बटन बड़े के लिए जैसे ऐसे बड़े बटन के लिए ऐसे ऐसे आप ऐसे निकालेंगे, ऐसे इस बटन को ऐसे इस बटन के बड़े बटन के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू।